नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, इससे पहले हम जनरल कंपटीशन का तैयारी कराते थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कहा था, दोस्तों आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने टेंथ के स्टूडेंट ने कहा था कि सर हमें टेंथ का भी मैथ बताइए। इसलिए आज हम टेंथ का मैथ आपको आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। सुमन सर आपको बताएंगे। सर दोस्तों, इसमें आपको मैथ के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें अगर आपको मेरा हमारे टीचर द्वारा बताया गया क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, समझ में आ जाता है, तो आपका मैथ का जो भी चैप्टर कमजोर है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, सर मेरा ये चैप्टर कमजोर है, तो वो चैप्टर को हम आपको पढ़वाएंगे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये 10वां क्वेश्चन है। दोस्तों आप लोग को समझ में आ जाएगा, और यदि आप लोग को समझ में आ जाएगा तो आप लोग का जो भी चैप्टर कमजोर है तो हमें कमेंट करके सिखा सकते हैं कि आप सर ये क्वेश्चन बताइए, इस सर ये चैप्टर बताइए, तो हम रेगुलर उस चैप्टर का वीडियो डालेंगे और जो क्वेश्चन पूछेगा हम उसका सॉल्यूशन देंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ क्वेश्चन आपको दोस्तों दे सकता है 3 - 2√5 भी दे सकता है, या यहाँ ये छोड़ के एक ही थे, तो सबको जो हम जिस तरह से बनाएंगे उसी तरीका से सभी सिंगल भी रहेगा तो उसको भी उसी टाइप से हम बना सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है दोस्तों, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो दिया रहेगा दोस्तों, जो दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? 3 + 2√5, 3 + 2√5 दिया हुआ है, 2√5। इसमें देखिए दोस्तों 3 क्या है, 3 है परिमेय संख्या और 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम 3 को लिख देंगे परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे दोस्तों? यह क्या है, दो भाग में पहले खंडित कर लेंगे, 3 को अलग कर लेंगे और अपरिमेय संख्या जो है उसको अलग कर लेंगे। 3 + 2√5 था, 3 को हम क्या, 3 को क्या कौन संख्या है? परिमेय है। हम क्या लिखे? 3 = परिमेय संख्या, और 2√5 क्या है दोस्तों? 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसको लिख लेंगे अपरिमेय संख्या। यहां तक तो समझ गएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बोल रहा है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम अपरिमेय संख्या है उसको सिद्ध करना है। अपरिमेय तो ये है मेरा दोस्तों, खंडित के तो ये परिमेय था और ये अपरिमेय था, जो अपरिमेय है वो उसको हम वो हमें सिद्ध करना है कैसे अपरिमेय है। चलिए जो अपरिमेय है उसको हम मान लेते हैं, माना कि 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? हम परिमेय मान लेते हैं प्रथम में, शुरू में क्या करेंगे? अपरिमेय रहेगा उसको हम क्या करेंगे, मान लिए कि यह एक क्या है, परिमेय है मेरा। क्या है? यह संख्या जो है ये क्या है मेरा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय है दोस्तों, परिमेय को किस रूप में दर्शाते हैं? p by q के रूप में दर्शाते हैं, जहाँ q = 0, जहाँ q का मान क्या होगा दोस्तों, हमेशा q का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा। चलिए दोस्तों तो 2√5 को हम क्या मान लिए, परिमेय मान लिए, परिमेय को किस रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ दोस्तों, 2√5 = p/q हो जाएगा दोस्तों। ये तो समझ गए होंगे, हम मान लिए 2√5 को परिमेय है, इसीलिए इतना बार क्या लिखे, p/q, परिमेय को p/q के रूप में लिखा जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हम वर्क कर लेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, वर्क कर लेंगे दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर बराबर कोष्ठ हटेगा तो स्क्वायर दोनों ऊपर नीचे आ जाएगा, p² / q² इसका इसको सोल्व करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 × 5 = 20, p² / q² है तो q × q, दो बार लिख सकते हैं, क्या q² है, q² को q × q लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, एक q को हम इस साइड कर लेते हैं, एक q क्या करते हैं, 20 × q
बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू, पी स्क्वायर बटा क्यू। यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ यहाँ हो जाएगा आपको बी क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू। क्या हुआ दोस्तों, सोल्व करके बी क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू। यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों, बी क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू। यहाँ देखिए दोस्तों, बी क्यू है पी स्क्वायर बटा क्यू क्या है दोस्तों, ये है पूर्णांक में और ये क्या है भिन्न के रूप में है, यानी अंश बटा हर जो रहेगा वो क्या होगा भिन्न होगा, और ये क्या है मेरा पूर्णांक के रूप में है। पूर्णांक बराबर भिन्न होगा कभी? पूर्णांक बराबर भिन्न हो सकता है? क्या होगा, पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, पूर्णांक डज नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक डज नॉट इक्वल टू भिन्न। ये क्या है मेरा, पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये असंभव है, जो कि असंभव है। संभव होगा दोस्तों, असंभव होगा, पूर्णांक बराबर भिन्न नहीं हो सकता, इसीलिए क्या लिख देंगे, जो कि असंभव है। ये मेरा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो क्या होगा, असंभव है। हम क्या माने थे दोस्तों, हम माने थे 2√5 एक परिमेय संख्या है, शुरू माने थे ना, माना कि ये 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो मेरा मानना क्या होगा, गलत होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, अतः मेरा मानना 2√5 एक परिमेय संख्या है, क्या होगा, गलत होगा, सही होगा। 2√5 एक परिमेय संख्या माने क्या होगा, गलत होगा, सही, क्योंकि यहाँ सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है पॉइंट को, क्या हो रहा है, असंभव हो रहा है, आगे पूर्णांक बराबर भिन्न कभी भी नहीं हो सकता है, इसीलिए 2√5 को जो परिमेय संख्या माने थे वो क्या होगा, गलत होगा या सही होगा। मेरा मानना 2√5 एक परिमेय संख्या है, गलत है, गलत होगा, क्या होगा दोस्तों, गलत है, इसीलिए 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है, 2√5 एक परिमेय संख्या, क्या हुआ, प्रूव हो गया यहाँ। और हमको देखिए दोस्तों, 3 क्या था मेरा, परिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं कि परिमेय जोड़ अपरिमेय, परिमेय जोड़ अपरिमेय क्या होता है दोस्तों, परिमेय को अपरिमेय में जोड़ेंगे क्या, कौन सा संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा, ये सूत्र होता है परिमेय जोड़ अपरिमेय, क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो परिमेय क्या था मेरा, 3 था, 3 में जोड़ेंगे 2√5 एक परिमेय, अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ, सिद्ध किए तो क्या निकला, 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय होता है, 3 प्लस 2√5 क्या हो गया दोस्तों, अपरिमेय हो गया, इसीलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हुआ दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों चश्मा के हर एक एग्जाम हर एक बार पूछा जाता है, आप लोग को आशा है कि आप लोग को समझ जरूर आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी दसवां का ही क्वेश्चन है दोस्तों, और हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम वीडियो में ये दोस्तों इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार वही क्वेश्चन को लिए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्या है दोस्तों, 24, 36, 72 का मौसा और लौसा अभाग गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। किस विधि से निकालना है, अभाग गुणनखंड विधि से निकालना है। चलिए दोस्तों 24 का हम क्या करेंगे, अभाग गुणनखंड निकाल लेंगे। 36 का क्या करेंगे, अभाग गुणनखंड निकाल लेंगे। 72 का क्या करेंगे, अभाग गुणनखंड निकाल लेंगे। तथा अभाग गुणनखंड विधि से ज्ञात करने से क्या करेंगे, 24, 36 और 72 का क्या करेंगे, सर्वप्रथम गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं 24 का, 12 दो से देंगे, 2 6 12 द्वितीय। अब 36 का निकाल लेंगे, 2 18 2 36 2 से फिर 9 2 18 3 से 3 3 9।
अब 72 का निकालेंगे, 36 गुना 72, 18 गुना 36, 2 9 18, 3 3 9। चलिए दोस्तों सभी का निकल गया आवाज गुणनखंड। अब जो गुणनखंड निकला है दोस्तों उसको हम लिखेंगे। देखिए दो, देखिए कितना बार लिखा गया है, दो क्या बार है दोस्तों, दो तीन बार है, 2 पावर 3 गुना 3। अब चलिए 36 में देखिए, 36 में देखिए क्या है दोस्तों, यदि इसको स्टेप में नहीं समझे तो देखिए, दो क्या बार है, तीन बार है, तीन बार लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब क्या है 72, 72 को क्या क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। क्या क्या निकालना है दोस्तों, मसो और लसो दोनों निकालना है। मसो निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, मसो निकालने के लिए क्या करना है, मसो का रूल है दोस्तों जो तीनों में आएगा, क्या आएगा दोस्तों, जो तीनों में कॉमन आएगा। दो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, तो तीनों में है ये दो ले लिए, फिर अगला स्टेप देखिए, ये दो भी देखिए, ये दो भी तीनों में है, ये दो ले लिए, फिर यहाँ आइए, यहाँ दो है, इसमें दो नहीं है, दो को नहीं लेना है। चलिए आगे देखते हैं, अब यहाँ क्या है दोस्तों, तीन है, यहाँ देखिए तीन में ये तीन जोड़ा लग गया, यहाँ तीन आ गया। अब कुछ भी कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है, कुछ और संख्या नहीं आएगा, यानी मौसम का अर्थ क्या होगा, मौसम में जो सब में कॉमन आएगा उसी को लेके क्या करेंगे, गुना कर देंगे, वही क्या होगा, मौसम होगा, वही क्या होगा दोस्तों, मौसम होगा, क्या हो गया मौसम, 2 दुना 4 दिया 12। तो मौसम कितना क्या हो गया दोस्तों, मौसम हो गया कितना, मौसम हो गया 12, लसों के लिए क्या होगा दोस्तों, जो कॉमन आएगा उसको ले लेंगे, जो कॉमन आएगा उसको ले लेंगे, पहले 2 गुना 2 गुना 3, ये कॉमन आ रहा था इसको ले लिए। अब जो कॉमन नहीं आ रहा है, जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको भी लेना है, ये देखिए दो, ये जो है ये दो, दोनों में कॉमन आ रहा है, जो दोनों में कॉमन आएगा उसको भी लेना है, जो दोनों में कॉमन आएगा उसको भी लेना है। दसों का नियम है, जो कॉमन आएगा उसको लेंगे पहले, तब फिर जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको भी लेना है, और जो कॉमन नहीं भी आ रहा है, जो बच जाएगा कॉमन लेने के बाद सिंगल, उसको भी लेना है। यहाँ देखिए तीन भी कॉमन आ रहा है दोनों में, ये तीन भी है। क्या हो गया लसो दोस्तों, गुना कर देंगे, वही क्या करेगा, 2 दुना 4 4 दिया 12 12 दुना 24 दिया 72, यही क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम की सहायता से 24 और 36 का मौसम ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ये 24 और 36 का किस विधि से निकालना है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। इससे पहले क्या था, भाग यानी अभाज्य गुणनखंड विधि था, ये क्या है यूक्लिडियन एल्गोरिथम। इसमें क्या करना है दोस्तों, 24 है और 36 है, जो बड़ा होगा उसमें क्या करेंगे, छोटा वाले से भाग देंगे, क्या करेंगे, छोटा वाले से भाग देंगे। 24 का 24 क्या हुआ दोस्तों, 2 यानी 12 शेष बच गया, 12 क्या हुआ शेष बच गया। यहाँ लिखेंगे सूत्र होता है युकिल विभाजन का, युकिल विभाजन जो परमेय दिया था, युकिल का परमेय का सूत्र क्या होता है, a = bq + r, क्या होता है दोस्तों bq + r, ये बराबर सूत्र होता है युकिल का परमेय का सूत्र, क्या है a = bq + r। ये क्या है दोस्तों मेरा, ये किसको कहेंगे, भाज को, ये क्या है 36, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्या है 24, क्यू क्या है 1, आर क्या है, यानी आर हो गया शेषफल, भाजक हो गया 24 यानी बी, क्यू हो गया भागफल, बी ये हो गया और क्यू ये हो गया। इस रूप में लिख देंगे, क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे सर्वप्रथम, भाग देने के बाद क्या करेंगे, युकिल के परमेय के रूप में लिख देंगे, क्या करेंगे युकिल के परमेय के रूप में लिख देंगे, परमेय क्या था a = bq + r में लिख दिए दोस्तों ये। अब इससे आगे क्या करना है, फिर ये जो शेषफल जो बचा हमको उसमें फिर क्या करेंगे, जो भाजक होगा,
जो भाजक होगा शेषफल में से क्या करेंगे, शेषफल से भाजक में फिर से भाग देंगे। 12 × 24 कट गया दोस्तों, क्या बचा है, शून्य बचा, क्या बचा, शून्य, कुछ नहीं तो क्या बचा, शून्य बचा। इसको भी उस रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी प्लस आर यानी 24। ए है यहाँ पे, बी कितना है 12, क्यू कितना है तो आर कितना है 0, आर कितना है दोस्तों 0। यानी पूरा पूरा जो कट गया किससे कटा दोस्तों, लास्ट स्टेप में किससे कटा, 12 से कटा, इससे कटा 12 से, इसीलिए एचसीएफ क्या हो गया, यानी मौसम क्या हो गया, एचसीएफ इंग्लिश हुआ एयर कूलर फैक्टर, मौसम कितना हो गया दोस्तों 12, यही क्या हो गया आंसर। चलिए दोस्तों, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे चैनल जनरल इंस्टीट्यूट को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको यदि कोई चैप्टर में दिक्कत है, दसवां का कोई भी चैप्टर है आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, यदि हम बताए आपको समझ में आ रहा है तो आप कोई भी चैप्टर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपको कोई भी चैप्टर से प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का हम पूरा पूरा सॉल्यूशन देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि ये चैप्टर से हमको बताइए तो हम जरूर से उस चैप्टर का वीडियो लाएंगे। और मेरे चैनल को जरूर जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।